हम इंसानों को अपने घर की देखभाल से ज्यादा दूसरों के घर में झांकने में दिलचस्पी है। मेरा मतलब ये जो हमारा प्लैनेट या हमारा घर है, यहाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है, रिसोर्सेस खत्म हो रहे हैं, इस बारे में कोई नहीं सोचता। कहा हजारों लाइट ईयर्स दूर किसी प्लैनेट में लाइफ पॉसिबल है, इसमें सबकी दिलचस्पी है। पर आज का वीडियो इस टॉपिक पे नहीं है। जब भी बात करें एक अलग दुनिया की तो हम हमेशा स्पेस में उसे ढूंढते हैं, पर हमारे धरती के नीचे एक अलग दुनिया है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। होलो अर्थ हाइपोथेसिस के मुताबिक पृथ्वी अंदर से खोखली है और अंदर हमारे जैसा ही एक दुनिया है। अर्थ का कोर उस जगह के सूरज का काम करता है। इस थियोरी में कितनी सच्चाई है वही जानने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का घंटा जरूर बजा देना। और हाँ, मैं स्पेस रिसर्च के खिलाफ नहीं हूँ, बस ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इकलौते घर को सही सलामत रखना हमारी जिम्मेदारी है, वरना दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है जाने के लिए। एडमंड हैली वो इंसान है जिन्होंने सबसे पहले साइंटिफिकली इस थ्योरी को दुनिया के सामने रखा, अजीबोगरीब कॉम्पस रीडिंग के एक्सप्लेनेशन के तौर पर। साल 1692 में उन्होंने कहा कि अर्थ के सरफेस के नीचे एक हॉलो सेल है जो 800 किलोमीटर थिक है और सरफेस के अपने अपने मैग्नेटिक पोल्स होने की वजह से ही कॉम्पस में गड़बड़ी आती है और हॉलो अर्थ से निकलने वाले गैसेस ऑरोरास के लिए जिम्मेदार है। हालांकि ये थ्योरी बहुत प्राचीन है। दुनिया के लगभग हर माइथोलॉजी और फोकलोर में धरती के नीचे की दुनिया का जिक्र है। ग्रीक माइथोलॉजी में इसे अंडरवर्ल्ड कहा जाता है, आत्माओं की दुनिया जहां लोग मरने के बाद जाते हैं। क्रिश्चियंस इसे हेल कहते हैं और हिंदू माइथोलॉजी में यह पाताल नाम से जाना जाता है। तिब्बत के बुद्धिस्ट लोगों का मानना है एक प्राचीन नगर है सांबाला जो धरती के अंदर लोकेटेड है। दुनिया भर में ऐसे बहुत से ट्राइब्स हैं जिनका दावा है कि उनके एंसेस्टर्स धरती के नीचे की दुनिया से आए हैं। बहुत से फोकलोर्स में जमीन के नीचे बड़े बड़े गुफाओं के बारे में कहा गया है। कभी कभी इन गुफाओं से अजीबोगरीब क्रिएचर्स बाहर निकल आते हैं और गांव वालों को नुकसान पहुंचाते हैं। 17th-18th सेंचुरी में कुछ लोगों ने होलो अर्थ का रास्ता ढूंढने की कोशिश की। उन्हें होलो अर्थ तो नहीं मिला, पर जमीन के नीचे बड़े बड़े गुफा जरूर मिले थे जहाँ 15,000-20,000 फैमिलीज आराम से बस सकते हैं। साल 1880 में जॉन क्लिप सिम्स जूनियर ने बताया कि अर्थ का होलो सेल सरफेस से 2,300 किलोमीटर नीचे है और करीब 1,300 किलोमीटर थिक है। उनके मुताबिक नॉर्थ और साउथ पोल में दो बड़े बड़े होल्स है जो होलो अर्थ में जाने का रास्ता है। बहुत से लोगों का ऐसा दावा है कि उन्होंने नॉर्थ पोल में ऐसा एक होल देखा है। कुछ लोगों का तो ऐसा भी दावा है कि वो उस होल से होलो अर्थ पे जा चुके हैं। वह एक पूरी दुनिया है जहां तरह तरह के जीव पाए जाते हैं। हमारी तरह ही एक सिविलाइजेशन है जो हमसे कई ज्यादा एडवांस है। कभी कभी होलो अर्थ के लोग जमीन के ऊपर आ जाते हैं अपने शिप में बैठ के, हम UFOs कहते हैं। बिना किसी डायरेक्ट एविडेंस के इस थ्योरी को काफ़ी पॉपुलरिटी मिला क्योंकि हम इंसानों का अजीब चीज़ें पसंद है। अब इस मामले में ये आदमी तो हमसे 10 कदम आगे है। 1969 में साइरस टीड ने बताया कि होलो अर्थ सच्चाई है, पर हम होलो अर्थ के बाहर नहीं अंदर रहते हैं और जिस यूनिवर्स को हम जानते हैं वो एक्चुअल में होलो अर्थ है। जिन तारों को हम आसमान में देखते हैं वो असली नहीं बल्कि इल्यूशंस है। शुरुआत में इस थ्योरी को काफ़ी पॉपुलरिटी मिली थी, पर अभी बहुत कम लोग ही इस थ्योरी पे यकीन रखते हैं क्योंकि हमने इतने सालों में स्पेस के बारे में जितना जाना है उससे ये थ्योरी गलत साबित होता है। पर पहले वाली थ्योरी का क्या वो भी गलत है या हमारा प्लैनेट सच में होलो है? चलो सबसे पहले ये जान लेते कि हमें अपने प्लैनेट के इनर स्ट्रक्चर के बारे में कितना पता है। सेसेमिक वेब के स्टडी से पता चला कि अर्थ तीन लेयर्स में बटा है, क्रस्ट, मेंटल
और कोर। क्रस्ट और मेंटल सॉलिड रॉक से बना है, जबकि आउटर कोर में है लिक्विड निकल आयरन एलॉय और इनर कोर बना है सॉलिड निकल आयरन एलॉय से। सेसेमी क्वेब्स की स्टडी अर्थ के हॉलो होने का कोई सबूत नहीं देता। प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते कोई हॉलो स्फीयर बनना इम्पॉसिबल है। ग्रेविटी के चलते प्लैनेट्स और स्टार्स को स्फेरिकल सॉलिड स्ट्रक्चर मिलता है, अंदर कोई हॉलो स्फीयर नहीं बन सकता। अर्थ का एवरेज डेंसिटी है 5.515 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और क्रस्ट का डेंसिटी है करीब 2.75 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर हमारा प्लैनेट अंदर से हॉलो है तो एवरेज डेंसिटी क्रस्ट के डेंसिटी से कम होनी चाहिए, पर ऐसा है नहीं। हॉलो अर्थ का पता लगाने के लिए साल 1970 में सोवियत यूनियन ने एक सुरंग खोदना शुरू किया। इस सुरंग को कोला सुपर डीप बोर होल के नाम से जाना जाता है। 20 साल तक लगातार ड्रिल करने के बाद 12,000 मीटर गहरा सुरंग बना, पर बाद में इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि 12,000 मीटर के गहराई तक जाने के बाद सुरंग से अजीब आवाज आने लगे थे, जो नरक के प्रेत आत्माओं की आवाज है। रिसर्चर्स का कहना है कि ये आवाज सच है, मतलब 12,000 मीटर ड्रिल करने के बाद ऐसे अजीब आवाज आ रही थी, पर ये आवाज नरक के प्रेतात्माओं की है या कोई नेचुरल फेनोमेना ये उन्हें नहीं पता। पर ड्रिल बंद होने के पीछे वजह है गर्मी। इस गहराई में गर्मी बहुत ज्यादा है, ड्रिल इस टेम्परेचर में काम नहीं कर सकता। और अब तक हमारे पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम और गहराई पे जा सके। पर इस रिसर्च से जमीन के नीचे अलग अलग लेयर के पत्थर मिला है, जिनमें से कुछ पत्थरों में क्रिस्टलाइज वाटर मिला है, जो एक बड़े वाटर सोर्स की ओर इशारा करता है। हो सकता है कि जमीन के नीचे एक विशाल अंडरग्राउंड ओशन है। ये सब सुनके तो लगता है कि हॉलो अर्थ बस एक थ्योरी है, पर देखा जाए तो हमारे पास ऐसा भी कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है जिसे हम कह सकें कि ये थ्योरी गलत है। दुनिया भर के माइथोलॉजी और फोकलोर्स में इस जगह का जिक्र क्यों मिलता है? देखो, राय का पहाड़ बनाना इंसानों की पुरानी आदत है। हमें पता है कि जमीन के नीचे बड़े बड़े गुफा है। इनमें से कुछ गुफाएं इतना बड़ा है कि इनका अपना एक इकोसिस्टम है। शायद गुफा के अंदर से आए जीवों को देखकर लोगों ने ऐसी कहानी बनाया है, या फिर हॉलो अर्थ सच में है। तो आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।